अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज जो है वो हम लर्न करेंगे ट्रेनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। ट्रेनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है न्यूरल नेटवर्क से विया स्टोचास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से। यहाँ पे जो है वो टू मेन ट्रेनिंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट आती है गिब सैंपलिंग। गिब सैंपलिंग जो है वो फर्स्ट पार्ट है ट्रेनिंग का। जब जो है वो यहाँ पे वेक्टर वी से रिप्रेजेंट किया गया, यूज कर रहे हैं फॉलोइंग पी एच वी और फॉर प्रिडिक्ट कर रहे हैं हिडन वैल्यूज एच से रिप्रेजेंट किया गया। If we are given the hidden values h, we use p, v, h, y to predict the new values, input values v से represent करना। ये process जो है वो आप repeat कर रहे हैं numerously k times के बाद, k times तक, जिसमें जो है वो such iteration जो है वो represent कर रहा है k, जिसमें हम obtain कर रहे हैं another new input को, vector को v and k से, और जिसमें जो है वो recreate कर रहे हैं from the original output value v and 0 से represent करना। Second आती है constructive कंस्ट्रक्टिंग ए डाइवर्जेंस स्टेप। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्टिंग ए डाइवर्जेंस स्टेप ये अपडेट कर रहा होता है वेट मैट्रिक्स गेट्स, एनालाइज कर रहा होता है एक्टिवेशन प्रोबेबिलिटीज फॉर हिडन वैल्यूज के लिए एच जीरो एंड एच के, यूज कर रहे हैं वेक्टर वी एंड वी के। यहाँ पे देखें पी वी आई इज इक्वल वन एच रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंस स्टेप जो है रिप्रेजेंट किया गया। इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हिडन वैल्यूज और एक्टिवेशन कर रहे होते हैं। अपडेट मैट्रिक्स जो है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज विद इनपुट वेक्टर्स v0 एंड vk, रिप्रेजेंट कर रहा है फॉलोइंग मैट्रिक्स को। इस तरीके से वैल्यूज आपने रिप्रेजेंट करनी है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेट वेट मैट्रिक्स वी कैन एनालाइज न्यू वेट विद द ग्रेडियंट डिसेंट दैट इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन जो आपको की गई है डब्ल्यू न्यू इज इक्वल डब्ल्यू ऑल प्लस, यहाँ पे डेल्टा ए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया। ट्रेनिंग टू प्रिडिक्शन स्टेप वन, ट्रेन करना है नेटवर्क ऑन द डाटा ऑफ ऑल द यूजर्स। स्टेप टू है टेक द ट्रेनिंग डाटा ऑफ द स्पेसिफिक यूजर यूजिंग ड्यूरिंग इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस टाइम। स्टेप थ्री है यूज द डाटा टू ऑब्टेन द एक्टिवेशन ऑफ द हिडन न्यूरॉन। स्टेप फोर यूज द हिडन न्यूरॉन वैल्यूज टू गेट द एक्टिवेशन ऑफ द इनपुट न्यूरॉन्स। स्टेप फाइव द न्यू वैल्यूज ऑफ द इनपुट न्यूरॉन्स शो द रेटिंग ऑफ द यूजर ऑल्ड गिव। इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।